दोस्तों आज की ये वीडियो CCS यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल बैक फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। CCS यूनिवर्सिटी की जो बैक स्पेशल बैक की फॉर्म है उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। आपके सामने ये अपडेट है, छात्र बोले जल्द कराई जाए बैक पेपर परीक्षाएँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल बैक पेपर परीक्षाएँ की बात की जा रही है। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स की बैक रह गई है सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बताएंगे कि कब ये फॉर्म भर जाएंगे और कौन कौन स्टूडेंट्स इन फॉर्म को भर सकता है, मतलब स्पेशल बैक की फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या कंडीशंस रह सकती हैं। पहले न्यूज़ देख लें, UGNAP में स्पेशल बैक परीक्षा ना होने के कारण छात्रों की डिग्री अधूरी, आवेदन नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहले चलिए आपको ये बताते हैं कि स्पेशल बैक का फॉर्म भर कौन कौन सकता है। तो ऐसे छात्र जिनकी किसी भी सेमेस्टर में बैक रह गई है, ठीक है, ऐसे छात्र जिनकी किसी भी सेमेस्टर में बैक रह गई और उनकी मतलब छठा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, तो वो स्टूडेंट्स स्पेशल बैक का फॉर्म भरकर अपनी बैक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे छात्र जिनका जो आपका कंपलसरी क्वालिफाइंग वाला पेपर होता है या फिर जो फाउंडेशन कोर्स वाला पेपर होता है, अगर उसमें बैक रह गई है इसलिए आपकी डिग्री नहीं मिल पा रही है, तो वो स्टूडेंट्स भी स्पेशल बैक का फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसे छात्र जिनकी मान लीजिए पहले सेमेस्टर में बैक है और वो पाँचवें सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर में आ गए, उनके लिए फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो पाँचवें सेमेस्टर में जो मेन एग्ज़ाम होंगे आपके पाँचवें सेमेस्टर के, उसके साथ में पहले सेमेस्टर की बैक दे सकता है। ऐसे छात्र जिनका छठा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और पहले या दूसरे तीसरे किसी भी सेमेस्टर में बैक रह गई, तो वो छात्र स्पेशल बैक का फॉर्म भर के बैक क्लियर कर सकते हैं। अब उनका घेराव किया, छात्रों का आरोप है कि UGNAP के अधिकांश छात्रों को कि सभी सेमेस्टर की परीक्षा होने के बाद भी डिग्री अधूरी है, क्योंकि छात्रों का विश्वविद्यालय की ओर से स्पेशल बैक परीक्षा का मौका नहीं दिया गया है। अब फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो देखिए फॉर्म की यहाँ पर कोई डेट नहीं दी गई है। फिलहाल जो फॉर्म है वो इसी महीने में आएंगे, ठीक है, अगस्त के महीने में ही फॉर्म आएंगे। अगर आपको फॉर्म भरना है तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पेशल बैक की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी आपको। आपको बता ही दिया है, ऐसे छात्र जिनकी डिग्री मतलब छठा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया या फिर थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्राइवेट में थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया हो, किसी भी ईयर में मतलब प्राइवेट के फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर में किसी भी ईयर में बैक रह गई है फाउंडेशन या फिर क्वालिफाइंग कोर्स में, तो आप लोग स्पेशल बैक का फॉर्म भर सकते हैं। या रेगुलर में आपका छठा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया इससे पहले कि किसी भी सेमेस्टर में अगर बैक रह गई है, पहले दूसरे तीसरे चौथे या पाँचवें किसी भी सेमेस्टर में अगर बैक रह गई किसी भी पेपर में, चाहे पेपर में रही हो चाहे आपका फाउंडेशन या क्वालिफाइंग कोर्स के पेपर में रही हो, तो आप स्पेशल बैक का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल बैक के फॉर्म इसी महीने आएंगे, अगस्त के महीने में ही स्पेशल बैक के फॉर्म आएंगे। हो सकता है कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएं या फिर हो सकता है 10-12 दिन में आ जाएं। जब भी आएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट की जाएगी, ठीक है। स्पेशल बैक का फॉर्म वो स्टूडेंट्स नहीं भर सकते जिनकी डिग्री अभी चल रही है। मान लीजिए आपका पाँचवा सेमेस्टर है और आपके पहले सेमेस्टर में बैक है या फिर तीसरे सेमेस्टर में बैक है, तो इस बैक को आप पाँचवें सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं, मतलब ओल्ड सेमेस्टर की बैक ओल्ड सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर की बैक इवन सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हैं। अगर ओल्ड सेमेस्टर की बैक ओल्ड सेमेस्टर में क्लियर नहीं कर पाई है रह गई है, या इवन सेमेस्टर की बैक इवन सेमेस्टर में क्लियर नहीं कर पाई रह गई है, तब आप स्पेशल बैक का फॉर्म भरकर इस बैक को क्लियर कर सकते हैं। आगे जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी